नमस्कार दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जो बोर्ड के एग्जाम की डेट शीट है वो बच्चों आ गई है, तो आप सभी अब लग जाइए अपनी पूरी तैयारी में, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी से कर सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के जो एग्जाम है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, या हम कहें कि जो सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनकी जो एग्जाम की डेट है वो क्या है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके एग्जाम 21, 22 या 23 तीनों में से किसी भी डेट में स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो एग्जाम है सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट के जो एग्जाम है वो 22 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है हमारी, उसके जो एग्जाम है वो कब स्टार्ट हो रहे हैं, उसके एग्जाम आपके 22 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहला एग्जाम आपका क्या है, देखिए, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्लंबिंग सर्विस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है कौन से कॉलेज ने कौन सा एक सब्जेक्ट लगाया है। इसका एग्जाम आपका 22 तारीख में है और सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा और 50 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा और पर डे आपका एक एग्जाम होगा, यानी एक सब्जेक्ट का एक ही दिन एग्जाम होगा। तो 22 तारीख में आपका ये हो गया और 23 तारीख में आपका डीएसएस का एग्जाम है, 24 को आपका क्वांटिटी सर्वेइंग का है, 25 को आपका स्टील स्ट्रक्चर ड्रॉइंग का है, 26 में आपका सीएमईडी का है। यानी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के एग्जाम 22 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशी का विषय है कि आपके एग्जाम की डेट आपको अप्रोक्सीमेट 1 मंथ पहले पता चल गई है। वैसे तो 2-3 दिन ज्यादा ही हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम की डेट शीट 1 मंथ पहले हो गई है। अब हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो एग्जाम की डेट है वो भी अप्रोक्सीमेट 22 जुलाई से ही है, 22 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक। तो इलेक्ट्रिकल के एग्जाम 22 से लेके 24 जुलाई तक ही होंगे। जैसे 22 तारीख में आपका ईडीडी सेकंड का है, 23 तारीख में आपका आईएमआर डबली का है और 24 तारीख में आपका यूडबली का है। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो सिक्स सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है। अब आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो 28 तारीख यानी कि मंडे से आपके सभी सेमेस्टर की सभी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल स्टार्ट कर दी जाएंगी। बस आपको इस परिवार के साथ जुड़े रहना है। अब चलते हैं अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ। देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो एग्जाम की डेट है वो क्या है आपकी, उनकी भी 22 तारीख ही है, 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल की बात करें तो सीएनसी का पेपर 22 तारीख में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पेपर 23 तारीख में और ऑटोमोबाइल एंड मेंटेनेंस सर्विस का इंजीनियरिंग आपका 24 तारीख में और मेट्रोलॉजी का आपका एग्जाम 25 तारीख में। तो 22 से लेके 25 जुलाई तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के हैं। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन के साथ साथ हम देख लेते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इनका भी जो एग्जाम है वो 22 से 25 जुलाई के बीच में है। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। देखिए, प्रोडक्शन की बात करें तो इनका भी एग्जाम 22 से लेके 25 तक ही आपका एग्जाम हो गया, मैकेनिकल प्रोडक्शन का भी 22 से 25 जुलाई में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन, तो देखिए इनका भी जो एग्जाम है वो 22 से लेके 25 तक है। अब हम इसके बाद अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की देख लेते हैं कब है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आप देख पा रहे हैं इनका भी जो एग्जाम है वो आपका 22 से लेके 25 तारीख तक का एग्जाम है, यानी इन्वायरमेंटल डाइजेस्टर, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट का एग्जाम 22 तारीख में, वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन 23 तारीख में, माइक्रो प्रोसेसर 24 और मॉडर्न कम्युनिकेशन 25, यानी कि 22 से लेके 25 जुलाई तक आपका ईसी का भी एग्जाम है। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर साइंस की तरफ।
देखिए कंप्यूटर साइंस का एग्जाम को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके लिए जो जेई क्लासेस परिवार ने रणभूमि बैच की शुरुआत की है, इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट सब्जेक्ट मिलेंगे। कंप्लीट सब्जेक्ट के साथ साथ आपको वीडियो क्लासेस मिलने वाली है, एमसीक्यू पीडीएफ मिलने वाली है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे उस सॉफ्टवेयर पर, आप गूगल फॉर्म पर प्रैक्टिस करेंगे उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट को एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस कराई जाएगी, इसके साथ डाउट क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। ये सारे रणभूमि बैच आपको कहां मिलेगा, इसके लिए आप अपने मोबाइल पर जाइए और प्ले स्टोर में जाकर जेई क्लासेस मेरठ का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको सारी ऑनलाइन क्लास, एमसीक्यू पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशन, आपको सभी कुछ मिलने वाला है। इसी के साथ हमारा जेई क्लासेस परिवार पिछले 4 साल से एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, स्टेट जेई की तैयारी करा रहा है ऑफलाइन क्षेत्र में, जहां से काफी स्टूडेंट सेलेक्ट होकर अपने अपने डिपार्टमेंट में योगदान दे रहे हैं। जेई क्लासेस मेरठ परिवार का जो ऑफलाइन बैच है वो अगस्त के 2nd वीक से स्टार्ट होने जा रहा है। जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे नंबर दिया गया है 8650959595, इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। उन सभी स्टूडेंटों को जो हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे, मटेरियल मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट मिलेगा, डाउट क्लियर सेशन मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा और हॉस्टल सुविधा होगा। हमारा एड्रेस नीचे लिखा है, गंगानगर थाने के सामने, मवाना रोड, मेरठ। जी हाँ, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। नेक्स्ट हमारा ब्रांच है, आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर साइंस की हमने देख लिया था, अब कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर साइंस की ओर देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस का और देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इनके भी जो एग्जाम है 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक हैं। तो 22 तारीख से लेके 25 जुलाई तक आपके एग्जाम होने वाले हैं, 22 जुलाई से लेके और 25 जुलाई तक। अगर हम बात करें सभी ब्रांचों की, वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सीएसओ, उनके एग्जाम 22 से 25 जुलाई, और अगर हम बात करें सिविल की तो इनके एग्जाम 22 से 26 जुलाई तक हैं। तो आई होप मुझे बहुत समझ आपको समझ में आ गया होगा। कंप्लीट डेटशीट के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप कंप्लीट डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, कुछ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं और आप हमारे बेहद आसान नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जेई क्लासेस मेरठ का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि वहीं पर आपको रणभूमि बैच का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।